बजरंग बीच में आपका स्वागत है और आज हम आपकी मुलाकात अजय सिंह जी से करा रहे हैं। अजय सिंह का प्रोफाइल काफी बड़ा है। इन्होंने अपनी शुरुआती दौर से बहुत सारे बिजनेस में हाथ आजमाया है। इसके बाद फाइनली ये ज्योतिष से रिलेटेड या रत्नों से रिलेटेड बिजनेस में आए हैं। चलिए इनसे शुरुआत से पूछते हैं कि इन्होंने अब तक की यात्रा कैसे की और कहाँ से शुरू किया। अजय जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार अजय जी, हम ये जानना चाहेंगे कि सबसे पहले एजुकेशन के बाद आपने कहाँ से शुरुआत की, कौन सा बिजनेस स्टार्ट किया? एक तो क्या शुरुआती दौर कहीं कहें तो शिक्षा के साथ में कुछ जीवन में लगता था कि कुछ नया होना चाहिए, कुछ एक लगन, और बार बार ये लगता है कि कुछ ऐसा करें कि सामने वाले को लगे कि हमने कुछ किया। तो उस दौर को लेते हुए शिक्षा के साथ में जरूरतों को देखते हुए कहीं शौक लगा कि ड्राइविंग की जाए। तो उस समय में जब मैं 12th क्लास में था तब शाम को कोचिंग जाना और सुबह के समय टेम्पो पे जाना और टेम्पो चलाना और उससे कुछ अर्जित होना, लाइफ में एडवेंचर चाहते थे, कुछ चेंज, लेकिन वो ज्यादा समय तक नहीं रहा। उसके बाद कुछ कला का शौक रहा और पेंटिंग्स में चले गए। कुछ आर्टिस्टों के साथ हमारी मुलाकात हुई और उनके साथ में कुछ हाथ आजमाया और एक दो पोर्ट्रेट जब बनाए तो लोगों को लगा कि बेहतर है, तो इस हिसाब से फिर पोर्ट्रेट बनाना शुरू किया। काफी कुछ पोर्ट्रेट बनाए और तमाम तरह की पेंटिंग्स, और साथ में जैसे देवी जी बैठती हैं तो उनका स्टेज डेकोरेट करना, बरसों तक समाज सेवा में लोगों से जुड़ के स्टेज डेकोरेट करना जिसमें पीओपी का काम या कोई ग्लास से जुड़ा हुआ मिरर का काम या साड़ियों का डेकोरेशन, इस तरह के तमाम वगैरह बनाए। आप हमेशा क्रिएटिव रहे, हमेशा क्रिएटिव चीज की तरफ अट्रैक्ट होते रहे, अट्रैक्ट होते रहे। अच्छा, तो जब आप ये सारा कुछ करते हैं तो सब आपने पढ़ाई के दौरान जी, फिर आप प्रॉपर बिजनेस में कब से आई, या प्रॉपर आपने ये सोचा कि इसके बाद मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जो लाइफ में स्टेबिलिटी है, वहां कहां से आपने? प्रॉपर बिजनेस में 20 साल लगभग, वैसे भी पेंटिंग के साथ में कुछ ऐसे लोग मिले जिनके साथ में बैठना था, वो टेलरिंग से जुड़े हुए थे, तो टेलरिंग का शौक लगा और मुझे नहीं पता कि मैं कब टेलरिंग का मास्टर हो गया। और 22 साल की उम्र में मैंने अपनी शॉप चालू कर ली और लगभग 10 से 12 साल टेलरिंग का काम किया, जिसमें लगभग 10-12 लोगों को सिखाया भी है और उससे अपनी दिनचर्या लगातार चलती रही और लोगों में ये भी रहा कि बहुत अच्छे मास्टर रहे, और लेडीज और जेंट्स दोनों ही काम किए मैंने और बहुत अच्छे तरीके से रहा। और आज भी लोग कहते हैं कि सर आपने क्यों छोड़ दिया, लेकिन हमें वो परमानेंट नहीं करना था और कुछ आगे कुछ करने की बात थी। तो उसके बाद लगभग 2003 के आसपास कुछ चांस मिला कि कहीं सराफा बाजार से जुड़ने का, और सोने चांदी का शौक रहा तो कुछ चांदी की सप्लाई शुरू की किसी के साथ जुड़ी। उसके बाद रत्नों का थोड़ा सा लगा कि रत्नों में जाना चाहिए, लोगों की डिमांड थी, जब हम जाते थे तो लोग कहते थे रत्न, तो रत्नों का काम शुरू किया। तो फिर जयपुर जाना शुरू हुआ, हैदराबाद भी, जयपुर, बॉम्बे, वहां से रत्न, क्योंकि ये तीन चार जगह जो है, जो खास मंडी है वो जयपुर मंडी है, जयपुर तो रत्नों में, और रत्नों में ईश्वर के आशीर्वाद से इतनी महारत आते थे कि 2007 के बाद अपन मार्केट में रत्न सप्लाई देने लगे। तो मतलब लास्टली आपने रत्नों के बिजनेस को अपना लिया? अच्छा, अब मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि जैसे आपने कई सारी चीजें करके देखी जी, तो आपके क्या अनुभव रहे, कितने अच्छे रहे, कोई इंसिडेंट ऐसा बताएं कि जो बहुत ही अच्छा रहा हो, या कुछ ऐसी मुश्किल आई हो आपको इन सब बिजनेस में? अनुभव का तो ये है कि हम जिस फील्ड में भी गए तो कहीं ना कहीं फील्ड का एक शुरुआती दौर के आनंद का दौर होता है कि हम कुछ नया कर रहे हैं और लोग हमसे संतुष्ट भी हैं। तो अनुभव में रत्नों का जब काम शुरू किया और रत्नों के बारे में जो लोग मार्केट में काम करते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों को ये बेनिफिट मिला हमसे कि हमसे जो जुड़े हुए लोग थे उनको रत्नों के बारे में कोई भी ज्ञान ना होने के बाद भी उनको सही रत्न मिलना, और आज हम संतुष्ट इसलिए हैं कि सही रत्न दे पाने में सक्षम है, क्योंकि हर व्यक्ति को रत्नों का अनुभव नहीं होता है। और बीच में कई ऐसे दौर आए जो लोगों ने अपनी, हर क्षेत्र में होता है टांग खींचना, कोई ना कोई टांग खींचने वाला होता है, ब्लैकमेलिंग, और उन्होंने कहीं हमको इस तरह दर्शाया कि नहीं अरे यार तुम कैसे कर लेते हो, तुम तो ये काम करते थे अब कैसे आ गए, तो वो काम से मतलब नहीं होता है। हमारी लाइफ में हमको कुछ बदलाव करने के लिए, कुछ नया करने के लिए पीछे नहीं देखना होता है और सामने वाले के भाषा या शब्दों को नहीं देखना होता है, हाँ, पॉजिटिवली लेना। यस, सामने वाला क्या कह रहा है उससे हमने कभी जीवन में नहीं देखा कि वो क्या कहता है, हमने अपने आप को देखा हम क्या कह रहे हैं और सामने वालों को कितना समझ में आ रहा है, उससे हम आगे चलते चले गए। और उसके बाद फिर लगा कि लोग जब हम रत्न देते थे तो कुछ लोग मिल जाते थे
कि सर वो हमारी जो राशि है तो हमको पन्ना करना चाहिए, हमको लगा कि शायद राशि आधार पर रत्न का कोई इफेक्ट वहाँ नहीं है। लखनऊ का ये है ना कि बड़ा वास एरिया है जी, और ज्योतिष अगर आपको आता है जी तो रत्नों की आप सही पहचान करके लोगों को सही चीज बता भी सकते। तो हमको लगा कि हमको ज्योतिष का थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। अब थोड़े ज्ञान के लिए कहीं ना कहीं हमको कोई गुरु मिले, और हमारे गुरु बहुत वृंदावन के हैं और वो भी अच्छे ज्ञानी हैं जिनसे मैंने ज्ञान प्राप्त किया। और रत्नों को कहीं जो मैंने कहा कि राशि आधार पर रत्न का कोई खास इफेक्ट नहीं होता, कि कोई भी जैसे डॉक्टर है अपने इंडिया में कहा जाता है कि हर घर में एक डॉक्टर है, ऐसे ही रस्ते चलते कोई भी कह देता है थोड़ा सा ज्ञान पाया उन्होंने कहा वो मीन राशि है बकरा चली, लेकिन ऐसा नहीं है। रत्न कहीं ना कहीं एक डॉक्टर जो सिलेक्ट करता है दवा वही कारगर होती है, ना कि किसी आम आदमी की। जनरल से क्वेश्चन पूछता हूँ जी कि आम आदमी को ज्योतिष ने या किसी पंडित ने बताया कि आप पर्टिकुलर ये वाला रत्न पहन लीजिए जी, अब उस रत्न की पहचान वो कैसे करे जी, वो कैसे इस बात को जस्टिफाई करे कि नहीं ये रत्न जो है ये ओरिजिनल ही है ये सही है, क्योंकि पंडित जी ने जो दे दिया उसे तो वही मान लेना है, वही मान लेना है। तो भाई चूंकि आप इस प्रोफेशन में तो आप बताए दर्शकों को कि वो कैसे करे इस चीज को। रत्नों की नेचुरल जो होता है रत्न, नेचुरल रत्न की लैब होती है, जो लैब एक्चुअल जयपुर या बॉम्बे ही मान है, जयपुर से जो लैब होती है। तो हमारा कहना यह है कि यदि कोई कहता है कि हम रत्न दे रहे हैं और आपको टेस्ट पर रत्न दे रहे हैं तो वो टेस्ट से मतलब नहीं। आप उस रत्न की कभी भी जब कहीं जाते हैं, सिटी में कई जगह लैब बनी हुई है, तो आप स्वयं उसकी लैब कराएं। तो रत्नों में कीमत को लेकर लोग ज्यादा घूम रहे हैं कि जैसे किसी ने कहा कि पुखराज पहन लीजिए, तो मैं जानता हूं कि पुखराज 20,000 से नीचे चाहते ही नहीं, नेचुरल और उच्च क्वालिटी 20,000 से नीचे नहीं आ रहा। अब आम आदमी को चाहिए कि नहीं साहब वो 5,000 मिल जाए तो अच्छा है, तो वो हो गया एक कम्प्रोमाइज, कहीं ना कहीं 5,000 का ले लिया, संतुष्टि घेर लिया, लेकिन उसमें वो ताकत नहीं होगी, वो पावर नहीं होगी और लैब में भी नेचुरल नहीं आएगा। तो नेचुरल के लिए कहीं ना कहीं आपको लैब स्वयं कराना, यदि आप चाहते हैं कि इसके जो कार्ड हमको मिला है अगर आपको सही पहनना है या सही रत्न अपने पास रखना है जी, तो आपको स्वयं उसका लैब टेस्ट स्वयं लैब कराना होगा आपको। आप सामने वाले का कार्ड ना देखें और रत्न लें और सीधा स्वयं लैब कराएं, या जौहरी से बात करें ना कि सुनार से। सुनार सोने सोने चांदी का काम करते हैं, रत्न भी बेचते हैं, लेकिन जौहरी एक नाम अलग है, जो कहते हैं ना कि हीरे की परख जौहरी ही जानता है। तो कहीं ना कहीं जौहरी जो रत्न को सिलेक्ट करेगा वो रत्न यदि सही जौहरी है और वो कहता है कि ये है तो वो होगा। रेट की कोई बात नहीं होती उसमें, कीमत रत्न की उसकी आभा और कलर और रफ्तार और क्वालिटी को देख के जानी जाती है कि इसकी क्या कीमत होगी। कॉस्ट पे नहीं जाना है हमको, लैब पे जाना है, स्वयं लैब कराना है और हमको संतुष्टि हो जाएगी कि हम जो रत्न पहने वो रियल है। अब जिस डॉक्टर ने सेलेक्ट किया वो डॉक्टर कितना अच्छा, यहाँ भी आ जाती है ना कंडीशनिंग की बात, ये भी आती है कि भाई ज्योतिष ने या पंडित जी ने कह तो दिया आप जी जी, पर वो रत्न आपके लिए कितना सुटेबल है ये कैसे पता है? ये वही ज्योतिष की बात आती है कि आप जिस ज्योतिष के पास गए हैं वो उतना परिपक्व है, उसको उतना ज्ञान है, वो उस फील्ड का है। यदि वो ज्योतिष है और कर रहा है तो कहीं ना कहीं जोहरी नहीं होगा, और अगर जोहरी होगा तो ज्योतिष नहीं होगा। लेकिन हमारे साथ ये प्लस है कि हमने जोहरी होने के बाद ज्योतिष की शिक्षा प्राप्त की, तो दोनों का हमको बेनिफिट मिलता है और इससे हमें ये फायदा मिलता है कि हम सही सिलेक्ट रत्न सिलेक्ट कुंडली के आधार पर सही सिलेक्शन करने के बाद सही रत्न दे पाते हैं। और इफेक्ट की बात है तो यदि सही रत्न पहनाया है और सही रत्न है और समय सही है तो इफेक्ट 100% आते हैं। अब सामने वाला यदि वहां पे आ जाए कि नहीं हमको तो साहब 2,000 का ही चाहिए या 1,500 का चाहिए, तो वो बात नहीं बनती है। मतलब कुल मिलाकर के ये हुआ कि यदि रत्न आपको सही पहनना है, उसका सही लाभ लेना है जी, तो पैसे का मोह छोड़ना होगा जी, पैसा आपको देना ही होगा जी। ज्यादा पैसा देंगे आप तो रत्न की क्वालिटी नेचुरल रत्न की वैल्यू होगी। यदि कोई जोहरी आपको कोई रत्न देता है और नेचुरल दे रहा है तो वो वैल्यू होगी, अदर जगह वैल्यू होगी उसके, वो आगे जाके उसकी रीसेल भी होगी। परंतु हाँ, हम अगर रेट को देखते हैं और सस्ते पे जाते हैं तो रीसेल नहीं होती। तो रत्नों में बड़ा कंफ्यूजन है, लोग बहुत परेशान है कहीं ना कहीं। तो अच्छा एक चीज, ये जो रत्न है पहनने के बाद कितना लाभ देते हैं? क्या बिल्कुल मतलब ये है कि मैं किसी ने किसी ज्योतिष को दिखाया, ज्योतिष ने बताया कि नहीं आप ये रत्न पहन लो, वो उसे लाइफ में कुछ चेंजेस आते हैं? बिल्कुल 100% चेंजेस आते हैं।
यदि नेचुरल रत्न हो और अच्छा ज्योतिष हो और रत्न धारण करने के बाद हमने जो रत्न सामने वाले को सिलेक्ट किया है या दिया है किसी को, यदि पन्ना पहना है, पन्ने का मतलब होता है बुध यानी व्यापार, बुध यानी गणित, बुध यानी रिश्ते बनाने वाला, लोगों से जोड़ने वाला, मिलनसार व्यक्ति, घूमने फिरने वाला व्यक्ति, तो कहीं ना कहीं जिस व्यक्ति का बुध कमजोर है और हम पन्ना पहनाते हैं और व्यापार बिजनेस में यदि वो है तो उसको 100% सफलता मिलेगी। और परंतु उसकी टाइमिंग होगी, एक महादशा और अंतर दशा का एक फर्क होता है, ये कुछ दशाएं ऐसी विपरीत दशाएं आती है, जैसे शनि राहु के कहीं ना कहीं जीवन में अच्छे लाभ देने वाले अच्छे ग्रह हैं, शुभ ग्रह हैं, लेकिन कहीं ना कहीं 80% लाभ देने का 30% व्यक्ति को प्रताड़ित जरूर करती है। जब जब इनकी दशा आएगी, महादशा आएगी, तो ये अपने जीवन में कहीं ना कहीं समस्या जरूर देंगे, क्योंकि शनि लोहा तो जैसे में रत्न काम करते हैं जब ये समस्या के दौरान। जी हाँ बिल्कुल, रत्न धारण कराए इसीलिए जाता है कि अब समस्या है तो ज्योतिष का इलाज रत्नों से ही, तो उसको तो धारण कराना जरूरी है बिल्कुल कि आपको चाहिए ये। अब यदि व्यक्ति नहीं ले पाता है और उसकी क्षमता नहीं है तो पूजा पाठ और नियम के आधार पर भी उसको कुछ बेनिफिट मिल जाते हैं, जो हम जिन्हें आमतौर पर ज्योतिष या पंडित जी लोग ये कहते हैं कि भाई आप ये उपाय कर लेना जी तो आपको सफलता मिल जाएगी। अच्छा कोई रत्न ऐसा भी है, आजकल जो यंगस्टर्स हैं, इवन यंगस्टर्स की बात हम लोग हैं, सभी लोगों के मन में ये रहता है कि आज हम जिस स्थिति में है कल सुबह जब सोकर के उठे तो सारा कुछ बदल जाए। बिल्कुल ऐसे भी रत्न होते हैं कि ऐसा बदलाव करना है? रत्न तो ऐसे होते हैं लेकिन बात ये आती है कि वो रत्न सबको सूट करे तब ना। वैसे रत्नों में यदि देखा जाए तो शुक्र सबसे अच्छा ग्रह है, सौंदर्य का ग्रह है, और रत्न डायमंड एक ऐसा रत्न है कि 90% लोग इसको पहनते हैं और इसका आनंद लेते हैं। हर व्यक्ति का शुक्र अच्छा होना चाहिए, तो शुक्र अच्छे का मतलब यह है कि डायमंड या उसका उपरांत ओपल धारण करने से कहीं ना कहीं व्यक्ति अपनी लग्जरी लाइफ जीता है, अपने शौक पूरे करता है, अपने जीवन में आनंद लेता है, मजे करता है, बहुत मजे करता है। तो ज्यादातर आमतौर पर एक चीज सुनी गई है कि नीलम बड़ा डेंजरस होता है, जी क्या है ये चीज? जी ऐसा नहीं है, ये क्या है कि एक हवा बना दिया है कि नीलम शनि 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 तो सबसे बढ़िया ग्रह, शनि नौकर और सेवक का कारक है, न्याय का कारक है, और उसका रत्न नीलम। अब विपरीत स्थिति में यदि किसी को भाई डॉक्टर गलत दवा लिख देगा, कोई भी दवा हो तो रिएक्शन तो करेगी, रिएक्शन करेगी। तो नौ रत्न है, नौ रत्नों में सारे रत्न आते, एक मोती भी व्यक्ति को कहीं ना कहीं हानि दे सकता है। जैसे जन्म पत्र में देखें तो बारहवें घर में यदि चंद्र बैठा है और किसी को मोती पहना दिया जाए तो वो कहीं ना कहीं व्यक्ति को स्किन प्रॉब्लम देगा और नुकसान करेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि चंद्र जल का कारक है चंद्रमा, और कहीं ना कहीं रोकने का कारक है, ब्रेक का कारक है, लेट कराने का भी कारक है चंद्र। वैसे चंद्र अच्छा ग्रह है लेकिन ठंडा होता है, लोग कहते हैं कि गुस्सा गुस्सा आता है तो मोती पहना दो, ऐसा नहीं है, मोती की माला पहनते हैं लोग, तो एक छोटा सा मोती पहनाने से गुस्सा शांत नहीं होगा, बीमारी क्या है वो देखना पड़ेगी। तो जो शनि की बात करें हम तो नीलम रत्न खराब नहीं है, नीलम के रिजल्ट सबसे अच्छे आते हैं और वैसे सभी रत्नों के रिजल्ट अच्छे आते हैं, बस सामने वाले ने व्यक्ति ने सिलेक्शन सही किया कि आपको शनि की जरूरत है, भैया आपका शनि कमजोर है, या शनि कर्म का मालिक है, नौकरी की जरूरत तो दिलाएगा वो, सुख का मालिक है तो घर बनवाएगा वो, धन का मालिक है तो धन की व्यवस्था करेगा वो। तो कहीं ना कहीं नीलम को लेके जो धारणा है वो वैसे ही है, कोई खास नहीं है, नीलम इतना हानिकारक नहीं है। अच्छा एक और है, आजकल के तो जमाने से चला रहा है पति पत्नी में झगड़े की बात, जो कोई रत्न ऐसा भी है भी हो एक तो बात यहाँ आती है कि पति पत्नी का झगड़ा सबसे पहली बात होती है कि पहले लोग जहाँ अच्छे लोग होते थे और संपन्न लोग समझदार लोग होते थे, जन्म पत्र मिला के ही संबंध करते थे। अब जिस गुरु ने या जिस पंडित ने जन्म पत्र मिलाई है उस समय में उसने किस हिसाब से मिलाई है, कुछ दोष होते हैं, यदि वो दोष जन्म पत्र में है और कहीं चूक हुई है देखने में और संबंध हो जाता है, के गुण मैच नहीं तरीके के मैच नहीं हुए हैं, एक मंगली है एक मंगली नहीं है, तो मैच ना होने की वजह से वो विवाद जीवन भर का होता है, उसमें सिर्फ सामंजस्य बनाया जा सकता है। रत्न तो है परंतु रत्न उनके जन्म पत्र के आधार पर उनको सिलेक्ट किया जाएगा। अब बात करते हैं कि नहीं सामंजस्य बने तो एक बुद्ध एक ऐसा रत्न है यानी पन्ना, जो एक दूसरे को मेलजोल रखता है, मिला के रखता है, बुद्ध रिश्तों का कारक है और बुद्ध छोटा है और कहीं ना कहीं वाणी वाली बात आती है, तो बुद्ध अच्छे घर का है, यदि अच्छे घर में बुद्ध बैठा है और बुद्ध के अंश कम है तो पति पत्नी के सामंजस्य वाली बात है, तो बुद्ध का रत्न पहनाया जा सकता है यानी पन्ना धारण कराया जा सकता है।
तो संबंध। अच्छा एक चीज और कि ये जो रत्न हो गए इनका अपना इफेक्ट तो है जी, लेकिन क्या होता है कि कई बार लोग रत्न पहन लेने के बाद जी मैं उन्होंने सोच लिया कि अब भाई पंडित जी को हम रत्न से बता दी, पंडित जी ने रत्न बता दिया बिल्कुल, हमने वो रत्न भी पहन लिया, अब तो कुछ करने की बिल्कुल बिल्कुल। तो कर्म कहाँ जाता है, कर्म यस कहा है कि कर्म प्रधान है, और कर्म की बात करें तो यदि रत्नों से सब कुछ होता तो व्यक्ति एक लाख दो लाख और पांच लाख का वो कहता मैं तो प्रॉपर्टी बेच दे रहा हूँ पांच लाख का प्लॉट और तुम तो कहना दो क्योंकि कल तो लगती हो ना, कल तो हो नहीं, ये नहीं। रत्न अपनी दशाओं में महादशा अंतरदशा समय के आधार पर कार्य करते हैं, ना कि 24 आवर। अब कुछ ग्रहों की बात करें कि कुछ ग्रह एक्टिविटीज होती है तो उसमें देखा तो बुध, मैंने आपको क्यों बताया, बुध एक ऐसा ग्रह है जो 24 आवर एक्टिव रहता है, वर्क करता है, बाकी शनि राहु केतु चंद्र रात को वर्क करते हैं, सूर्य मंगल गुरु दिन भर एक्टिव रहते हैं, लेकिन बुध एक ऐसा ग्रह है जो 24 घंटे एक्टिव रहता है। तो बुध का रत्न कहीं ना कहीं और बुध के उपाय, और बुध अच्छा है व्यक्ति का तो जीवन में वो कहीं ना कहीं असफल नहीं होता है, संघर्ष जरूर होता है बुध भाव में संघर्ष, लेकिन सफल होती है। तो कर्म में जरूरी है कि आप रत्न पहने या पूजा पाठ करें या ईश्वर से जुड़े हों, लेकिन आपको कुछ करना है जीवन में, बिना करे नहीं मिलता है। और कुछ लोग जो चाहते हैं कि बहुत जल्दी सब कुछ हो जाए तो वो नहीं होता है, जीवन में सीढ़ी बाई चलना पड़ता है तभी हम जाके उस उच्च पद पे या उस उच्च जगह पहुंच पाते हैं। मतलब कुल मिलाकर के ये कि काम आपको करना है जी, ग्रह और जो रत्न है ये आपको सपोर्ट करते हैं, यस यस आपके लिए वो प्रॉपर माहौल तैयार कर देते हैं बिल्कुल, जिससे कि आपका मन और लगने लगता है और आपको सफलता आपके कर्म से ही मिलती है। बस बस हमारी एक्टिव क्या होता है कि शरीर के चारों ओर कुछ किरणें होती हैं, कुछ ऐसी होती है जो हमारे एक ओरा बना के रहती है, और वो ओरा कहीं ना कहीं जो किरणें होती है आपस में टकराने लगती है एक दूसरे से, जब ग्रह खराब होता है तो टकराने लगती है। तो रत्नों का काम होता है उन किरणों को एक साथ एक सर्किल में लाना, तो वो सर्किल में लाते हैं रत्न और अपनी महादशा में, और आपके जो कमजोर ग्रह हैं जिनके रत्न धारण कराते हैं वो अपने समय में आपको उतने ही समय बेनिफिट देते हैं, लगातार नहीं देते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति को यदि किसी रत्न से या ताकत से उससे कुछ समय मिल जाए साल दो साल पांच साल, तो पांच साल व्यक्ति के लिए बहुत होती है। जब वो अच्छे पद पर पहुंच जाता है अच्छी इनकम पर पहुंच जाता है तो उसको छोटी छोटी समस्याएं दिखती नहीं है, समस्या तो हर घर में भी है कि देशा भ्रमित नहीं होने देते, कोई काम प्रॉपर डाली है सर। अब यहाँ बात आती है कुछ लोग कहते हैं कि रत्नों का फायदा नहीं मिल रहा, पूजा का फायदा नहीं मिल रहा, ये तो कहीं ना कहीं वो जहाँ रह रहे हैं प्रॉपर जगह पे उनकी वो दिशा ठीक नहीं है, कई बात का भी होता है। तो मतलब फैक्टर्स बहुत सारे इस चीजों को अगर लेके चले तो तमाम तरह के फैक्टर्स है, आप कहाँ कहाँ देखेंगे। सही बात, तो मेन होता है कर्म, मेन है कर्म, कर्म के साथ प्रॉपर आपने रत्न पहन लिया तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। रत्न धारण कराने का सिर्फ औचित ये होता है कि आप उसको कहते हैं हमसे पूजा नहीं बनेगी या हम सब नहीं कर पाएंगे, आप तो रत्न, तो रत्न का काम ये है कि आप रत्न पहनने के बाद आपको ज्यादा पूजा पाठ में दिमाग नहीं लगाना है, आप अपना कार्य करें तो वहां कहीं ना कहीं दवाई ले ली, मतलब परहेज नहीं कर पा रहे दवाई अच्छी ले ली चलिए नहीं करो कम, लेकिन दवा ले ली। अच्छा अजय जी अब मैं आपसे चीज पूछना चाहूँ की आप लाइफ का कोई ऐसा इंसिडेंट जो बहुत मेमोरेबल हो आप हमारे दर्शकों को। ऐसे तो कई चीजें हमारे साथ हुई जीवन में कि जब हमने अपना टेलरिंग बंद किया और जवाहरात की लाइन में आए तो बहुत संघर्ष करना पड़ा, व्यवस्था ना होना, घर ना होना, किराए के मकान में रहना, बच्चों की भी शिक्षा चाहिए उसको भी मेंटेन रखना, तमाम चीजें ऐसी रही। तो जब सबसे बड़ा इंसिडेंट मेरे साथ था कि जब मैंने अपना मकान बनाया तो मेरे पास कुछ भी नहीं था ना के बराबर में, मैंने मकान की शुरुआत की और जब तक मकान बनता रहा तो मुझे ये होता रहा कि कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा, और वो एक आनंद का समय था कि खुशी थी कि मकान बन रहा है, लेकिन व्यवस्थाएं कमजोर थी। तो होता क्या है कि लोगों ने हमारे शौक को देखा है, हमारे कपड़ों को देखा है, हमारे आराम को देखा है, हमारी सुख सुविधाओं को देखा है, लेकिन हमारे पैर के छालों को नहीं देखा जिन्होंने हमको कितना जिन्हें हमने कितना झेला है। तो सच्चाई हर व्यक्ति जानना नहीं चाहता और आज भी लोग सच्चाई से वाकिफ नहीं होना चाहते, वो तो सिर्फ देखते हैं कि हो क्या रहा है सामने दिखना था, मतलब वो उन्हें प्रोसेस का पता नहीं। तो ये सबसे बड़ा इंसिडेंट था मेरे लाइफ का, मकान जब मेरा बना बस वो सबसे बड़ा था, बाकी तो जीवन में तमाम उतार चढ़ाव आते रहे और
अपन जीवन में आनंद लेते रहे क्योंकि कई फील्ड लॉस थे। कभी जब मन नहीं करता कि बहुत ज्यादा टेंशन है तो उठा के चित्रकारी शुरू कर दी, पेंटिंग बनाना शुरू कर दी, ज्यादा हुआ तो चलो कुछ ड्रेसेस वगैरह बना दी। लेकिन अब याद ये है कि सिर्फ जो रत्नों को लेके रत्न सप्लाई और बाकी जो घर पे आते हैं उसमें भी कोई फीस नहीं, कोई ऐड नहीं, किसी तरह का विजिटिंग कार्ड नहीं, किसी तरह का वो नहीं है। इसको बिजनेस नहीं बनाया है ज्योतिष को, सिर्फ शौकिया रखा है और लोग जुड़े हैं और लोगों को कहीं ना कहीं संतुष्टि है, आराम है, तो बस यही है जीवन में। अच्छा अजय जी, बंजारा बी से इंफॉर्मेशन देने वाला चैनल है जी, और लोगों को इंस्पायर करने के लिए हम बहुत सारे इंटरव्यूज वगैरह करते हैं जी। तो हम चाहेंगे कि यंगस्टर्स को आप अपनी तरफ से कुछ मैसेज दें, चूंकि आपने अपनी लाइफ में काफी संघर्ष करके बहुत सारे बिजनेस करके नया बिजनेस खड़ा किया है, आप हमारे दर्शकों को संदेश दें। आज की युवा के साथ यदि हम देखें तो वो ये चाहता है कि हम शिक्षा कर रहे हैं, बीटेक कर लिया है, बीएससी हो गई, एमएससी हो गई, तमाम तरह की ग्रेजुएशन कंप्यूटर भी कर दिया, तो वहां ठीक है आप पढ़ाई कर रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं, लेकिन इसके अलावा यदि साथ में कोई हाथ का हुनर, अब मैं उसमें आपको ऑप्शन देता हूं, इसमें थोड़े से ज्योतिष को देखो कि सिर्फ न्यूरोलॉजी से चले, यदि किसी व्यक्ति का मंगल अच्छा है या 9, 18, 27 है तो उसको शिक्षा के साथ में कहीं ना कहीं वर्दी की नौकरी की तैयारी करना चाहिए, क्योंकि मंगल वर्दी का कारक है, ताकत का कारक है। ऐसे ही ग्रहों के बेस पर शुक्र जब अच्छा है तो कहीं आप किसी शौकीन में जाए, यानी कि संगीत में जाए या कला के क्षेत्र में जाए, तो शिक्षा के साथ में मेरा कहना यह है कि कहीं ना कहीं आप लोग कुछ हॉबी जरूर रखें, सीखें जरूर, कि यदि शिक्षा में सफल नहीं हुए तो क्या करें। तो कुछ जीवन में हुनर बहुत जरूरी है, हमें कुछ आना चाहिए जिससे हम अपने जीवन में आगे का अपना जीवन चला सकें या परिवार चला सकें, अपनी जरूरतों को पूरा कर सकें। तो स्पोर्ट्स या कुछ अदर ज्ञान या कुछ सीखना, मतलब एजुकेशन के साथ साथ आप लर्निंग में रहे, कुछ चीज सीख, क्रिएटिव चीज। जी जी, अगर वो नहीं करते हैं तो बाद में कई जगह ये लगा कि पूरी शिक्षा हो गई, 35 हो गए, 36 हो गए, 40 हो गए, नौकरी नहीं मिली, अब क्या करें, अब हम छोटा काम भी नहीं कर सकते। तो आदत डालने के छोटा काम भी करेंगे तो समाज से कोई लेना देना नहीं है, हम काम कर रहे हैं, किसी की चोरी नहीं कर रहे हैं, छोटे काम से ही बड़ा बनता है व्यक्ति। जब किसी व्यक्ति ने पहली बार समोसा बनाया होगा तो उसने सोचा होगा बिकेगा कि नहीं बिकेगा, सही बात। और आज हिंदुस्तान की सबसे अच्छी डिश है कहा जाए समोसा, सबसे ज्यादा चलने वाला है, तो उसने नहीं सोचा होगा लेकिन उसने कोशिश की। तो आप भी शिक्षा के साथ में कुछ अलग कोशिश करें, कुछ नया करने की कोशिश करें तो आगे भविष्य में आपको उसके बेनिफिट मिले। अजय जी, बंजारा बी से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, देखते रहिए बंजारा बीट्स।